स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, टुडे इज़ 25th ऑफ मार्च एंड थर्सडे. टुडे वी आर गोइंग टू डू अगेन अ मैथ्स होमवर्क. द नेम ऑफ द यूनिट इज फ्रैक्शंस, यूनिट नंबर 7. आज फिर हम लोगों ने करना है और इसका पेज नंबर 102 और 103 हम लोगों ने करना है. 102 में करने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ आपको मैंने समझाना है मोर अबाउट फ्रैक्शंस. ओके, नाउ लुक एट दीज शेप्स. Can you see all these shapes? This is a triangle. Number A पे है. This is a triangle. 2 out of 3 equal parts are colored. Triangle में आपके पास यहाँ पे 2-3 parts हैं इसके, जिसमें से 2 जो part हैं वो उसके colored हैं. तो so इसकी fraction क्या होगी? Fraction 2/3 और 2/3. Okay? या आप इसको 2/3 लिखेंगे या 2/3 लिखेंगे. नंबर अब दूसरी शेप देखें, हाफ सर्कल है यहाँ पे, इसके भी 3 पार्ट्स हैं. इट हैज़ 3 पार्ट्स. ओके, और इसका 1 पार्ट जो है वो कलर्ड है. सो इट्स फ्रैक्शन इज 1/3 और 1/3, या इसका आप यूँ लिखोगे 1/3 या 1/3 लिखोगे, ठीक है ना. नंबर 3 शेप में आ जाइए. दिस इज़ अ फ्लावर, इट हैज़ 3 पार्ट्स. ओके, और इसके जो 3 पार्ट्स हैं उसमें से 2 पार्ट्स इसके कलर्ड हैं और 1 पार्ट ऐसे ही है, ठीक है ना. तो सो इट्स फ्रैक्शन इज 2/3 और 2/3. ओके, नाउ बी पे आ जाइए. बी पे फर्स्ट शेप जो है वो सर्कल है. सर्कल के कितने पार्ट्स हैं? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सर्कल? इसके 4 पार्ट्स हैं, जिसमें से कितने पार्ट्स कलर्ड हैं? 3 पार्ट्स. 3 out of 4 इक्वल पार्ट्स आर कलर्ड. सो इट्स फ्रैक्शन इज 3/4 और 3/4, ठीक है ना. यानी कि इसके जो 3 पार्ट्स हैं वो कलर्ड हैं और जो इसके 1 पार्ट है वो कलर्ड नहीं है. तो इसकी टोटल इसके पार्ट्स कितने हैं? 4. ओके, नाउ इसी की शेप नंबर बी की शेप नंबर 2 पे है. हाउ मैनी पार्ट्स इट दिस शेप? 1, 2, 3, 4. इस शेप के जो है वो 4 पार्ट्स हैं. ओके, 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स कलर्ड हैं और 2 पार्ट्स कलर्ड नहीं हैं. तो सो इट्स फ्रैक्शन इज 2/4 और 2/4. नेक्स्ट शेप पे आ जाइए. इस शेप के 4 पार्ट्स हैं, जिसमें से 1 पार्ट कलर्ड है और 1 पार्ट 3 पार्ट्स विदाउट कलर हैं. ओके, नाउ इट्स फ्रैक्शन इज 1/4 और 1/4. सी पे आ जाइए. सी की शेप जो है वो स्क्वेयर की शेप है. इसके 5 पार्ट्स हैं और इसके 4 पार्ट्स कलर्ड हैं और जो 1 पार्ट है वो कलर्ड नहीं है. सो 4 out of 5 इक्वल पार्ट्स आर कलर्ड. सो इट्स फ्रैक्शन इज 4/5 और 4/5. नाउ नेक्स्ट शेप पे आ जाइए. 1, 2, 3, 4, 5. दिस शेप हैज़ 5 पार्ट्स. सो इसमें से कितने पार्ट्स कलर्ड हैं? 2 पार्ट्स कलर्ड हैं और जो 3 हैं वो कलर्ड नहीं हैं. तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? 2/5 और 2/5. ओके, नाउ द लास्ट शेप इज 1, 2, 3, 4, 5. इस शेप के भी 5 पार्ट्स हैं, जिसमें से 3 कलर्ड हैं और 2 कलर्ड नहीं हैं. तो इट्स फ्रैक्शन इज 2/5 और 3/5.